सरल स्वभावी, वाणी में माधुर्य, ईमानदार छवि, अनुशासित व्यक्तित्व के रूप में लोकप्रिय, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में रत, अनेक संस्थाओं के उच्च पदों पर आसीन प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री ज्ञान सिंघल जी। फर्म बिशन स्वरूप रामकिशन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। आप दालों एवं चावल के इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं। आपकी फर्म सन 1969 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत है। इन्हीं समस्त कार्यों को देखते हुए अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, आज मैं ऐसे व्यक्ति से साक्षात कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ। वैसे तो आपको पता ही है, काफी समय से मेरा ये सम्मान का अभिनंदन का आभार प्रकट करने का चल रहा है। आपको ये भी ख्याल है कि 53 साल पूरे हुए हैं, बीकानेर गंगा से दिल्ली आया था नया बाजार में। आज उस विभूति से, वो मेरे विभूति मेरे सामने तो नहीं है, बाकी आंखों के सामने अभी भी ऐसा लगता है आशीर्वाद दे रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति से जिनका समय नहीं मिलता है, मेरा बाजार में नया कभी कह देता है सुभाष पैलेस में ऑफिस, इनका किराल पैलेस में ऑफिस, नया बाजार में ऑफिस। और ऐसे व्यक्ति हैं जो ये तो वैसे तो सभी अपने पुत्र बेटे पिता के पच्चनों पे चलते हैं, बाकी ये तो चलते हुए देखा शुरू से, जब पिताजी थे तभी उनके पच्चनों पे चल रहे थे, आज भी उनके पच्चनों पे ही चल रहे हैं। जैसा उनका स्वभाव, उनसे बढ़ चढ़ के जो स्वभाव है, आज ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय करवा रहा हूं जिनके पिताजी साथ मेरा शायद 25-30 साल से संपर्क इनसे है, इससे पूरे के पिताजी से मेरा बर्दाश्त मेरा हाथ में सर पे रहा है, जिनका हमेशा आ भाई हनुमान और नया बाजार दिल्ली व्यापार क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति, दयालु, अहंकार से दूर कोई भी मेरा जैसा व्यक्ति पहुंच जाता तो उसका सम्मान मेरा नहीं, हर कोई का ही तहे दिल से सम्मान क्या करते थे। ऐसे व्यक्ति के सुपुत्र है, मैं आज परिचय करवा रहा हूँ श्री ज्ञान बाबू जी, जो ज्ञान के भंडार भी हैं और ज्ञान भी है और अपने पिता के तरह चल रहे पिता श्री रामकिशन जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, बाकी वर्तमान अभी भी मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। ज्ञान बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल चाल साहब? बस बढ़िया। आप बाबू जी की याद आ गई, प्रधान जी की जी जी, जो नया बाजार के प्रधान स्तंभ थे और मेरे ख्याल से भूल नहीं करोगे 1986 से 1988 तक बिल्कुल प्रधान पद को संशोधित किया था जी जी। उसके बाद कई प्रधान आए, अभी प्रधान अच्छे काम कर रहे हैं, मैं इन्हें कह रहा, बाकी उनकी एक दयालुता एक उनकी वो एक थी, वो आज भी सारे याद कर रहे हैं, छोटे से बड़े तक सब याद करते हैं, मैं याद नहीं कर रहा हूँ, पूरा बाजार याद करता है जी जी जी, ऐसा उनका स्वभाव था। बिल्कुल, आपका भी उनसे कम नहीं है ऐसा मैंने, और मेरे ख्याल से 25-30 साल से आपसे भी संपर्क है। बिल्कुल है, 30 साल से आपसे है। 30 साल से है, बिल्कुल है, तो ऐसा ही संपर्क आपसे है जी, रहा है बिल्कुल। और पिताजी के बाद जितना तारीफ करूँ उतना कम है, और उसी तरह आप चल रहे हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट कर रहा हूँ। और ये सम्मान जो कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है बाबू जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, हनुमान से शेख का अवतर रहा है जी जी। तो बाबू जी के बारे में, अपने बारे में, आपका भी आए और कब से व्यापार संभाला और पिताजी का आपका जो व्यापार के हिसाब से क्या है, वो सारी जानकारी व्यापारी भाई को देनी कर पा करें जी। 84 से मौजी के साथ बिजनेस में आया था और आज तक कर रहे हैं। बस मौजी के पचीनों भी चल रहे हैं, वो जो सिखा के गए हैं वो कर रहे हैं आज के। नहीं, आपने व्यापार कब से खोले? 84 में आ गया था। और पिताजी? बाबूजी दिल्ली के अंदर 1956 में आ गए थे। बाबूजी? हाँ जी, सभी बाबूजी थे, सभी बाबूजी थे बिल्कुल, व्यापार के क्षेत्र में भी। हाँ, मेरा भी परिचय आपका जो है जी, उसी समय से आपका से बिल्कुल, जब भी आता था। हाँ जी, तो बाबूजी का बहुत स्नेह आपके साथ रहता था, प्यार रहता था काफी जो है, काफी ज्यादा जी।
और कैसे क्या है, किस तरह है अपने ऑफिस का? नेताजी सुभाष पैलेस में, नेताजी सुभाष पैलेस भी है प्लॉट पे। वहाँ क्या नाम रखा गया? ये नाम है बिशन सूर रामकृष्ण नायगर प्राइवेट लिमिटेड। बाबूजी के साथ इच्छा जाहिर की थी और भान भूषण जी आज भी कार्य सचिव है, उन्होंने समर्थन किया था कि डायरेक्टिव प्रकाशन आप उसमें करनी है, तो बाबूजी ने करवाई थी, आशीर्वाद पूरा दिया और वो डायरेक्टिव खूब प्रचित हुई। बिल्कुल, आज भी याद है मेरे को। अब एक डिजिटल डायरेक्टरी आशीर्वाद के सला रहा हूँ, इस लड़के को आपको आशीर्वाद देना है, इस तरह बाबूजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, इसी तरह आशीर्वाद को आशीर्वाद दे रहे कि ये भी आगे मेरी तरह बढ़ता रहे, आगे बढ़े। बिल्कुल बढ़े जी, ये सुनकर नाम देना बाबूजी। बिल्कुल, बाबूजी जैसा है वो बहुत अच्छा मुझे मौका है, इसलिए याद आ गया। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद बाबूजी, और अमर ज्योति डायरेक्टरी परिवार की तरफ से, जय सुजो पत्रिका की तरफ से आपका खूब अभिनंदन, आभार प्रकट कर रहा हूँ। धन्यवाद बाबूजी।